हेलो एवरीवन, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं आज के द हिंदू की खास खबरें क्या है। फ्रंट पेज पे देखते हैं, राफेल कॉस्ट इज 2.86% लोअर बट द सॉल्ट बेनिफिटेड विदाउट बैंक गारंटी, सेज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि 2016 में साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA के जरिए फ्रांस से 36 रफेल फाइटर जेट्स खरीदे जाने थे, जिसकी लागत 2007 में यूपीए सरकार के वक्त के ऑडिट्स अलाइंड प्राइस से 2.86% कम है, जब 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदे जाने थे। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने यह भी देखा है कि ये कीमत और भी कम हो सकती थी अगर बैंक गारंटी की छूट जो डसॉल्ट एविएशन को दी गई है वो भारत को दी जाती। चलिए देखते हैं राफेल डील पे कैग की रिपोर्ट पर कुछ की हाइलाइट्स। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT कॉस्ट। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में उन 108 विमानों के विनिर्माण की लागत पर विचार नहीं किया जो कि 2007 की 18 फ्लाई अवे प्लस 108 TOT एयरक्राफ्ट डील का हिस्सा थी। सिर्फ 18 फ्लाई अवे विमान को ही कंपैरिजन के लिए ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिया है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि 2016 के कॉन्ट्रैक्ट में वितरण कार्यक्रम में एक महीने का सुधार है। पहले वह 72 महीने था जो अब 71 महीने हो गया है। फिर है एब्सेंस ऑफ बैंक गारंटी। ऑडिटर ने यह कहा है कि इस डील में बैंक गारंटी का समावेश ना करके डिसॉल्ट को फायदा पहुंचाया गया, जबकि वो फायदा हमारी सरकार को पहुंच सकता था। जो पैसे इस बैंक गारंटी के समावेश ना होने से बचा है वो सरकार को पहुंच सकता था, जो कि सीधा डिसॉल्ट को पहुंचा है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट क्लेम्स। सरकार के दावों में से एक दावा ये था कि 2016 की डील में पहले के मुकाबले विमान 9% सस्ते हैं, लेकिन इस ऑडिट ने निष्कर्ष निकाला है कि 2007 और 2016 की डील में इस मामले में कोई अंतर नहीं है। साथ ही साथ कैग ने यह भी कहा है कि मंत्रालय से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं मिला है जिससे कि IAF की परिचालन तैयारी में इस व्यापक अंतर को भरा जा सके, जो कि विमान की संख्या में कमी के कारण हुई है। पहले 126 विमान खरीदे जाने थे, उसकी जगह पे अब 36 विमान खरीदे जा रहे हैं। हमारे रोज के करंट अफेयर के वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल AAsha Young IAS को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूले। अगली खबर है सिटीजनशिप ट्रिपल तलाक बिल्स लैप्स। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी राज्यों में काफी समय से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, बुधवार को लैप्स हो चुका है क्योंकि सरकार उसे राज्यसभा में पास नहीं करवा पाई। सिटीजनशिप बिल के साथ साथ ट्रिपल तलाक बिल, जिसमें मुस्लिम शादी में इंस्टेंट डिवोर्स को आपराधिक करार दिया गया था, वो भी लैप्स हो चुका है। नेक्स्ट इज गहलोत प्रेजेंट्स बजट वोट एंड अकाउंट एस्टिमेट्स। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को स्टेट असेंबली में 86,906 करोड़ रुपए का वोट एंड अकाउंट प्रेजेंट किया है और साथ ही साथ 2019-20 के बजट एस्टिमेट भी पेश किए गए हैं, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर कुल खर्च है 2,31,654 करोड़ रुपए और राजस्व प्राप्ति है 1,67,449 करोड़ रुपए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर सुवर्णरेखा पोर्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा की बालासोर जिले में सुवर्णरेखा पोर्ट की नींव रखी। ये प्रस्तावित पोर्ट टाटा स्टील और क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा, जिसमें टाटा स्टील का स्टेक होगा 51% और क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का शेयर होगा 49%। नेक्स्ट इज केरला टेक्स द लीड इन द फाइट अगेंस्ट ट्रांस फैट।
केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने एक एक्शन प्लान बनाया है जिसके जरिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड के हानिकारक प्रभावों के लिए जागरूकता फैलाई जा सके और साथ ही साथ स्थानीय खाद्य उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। कुछ एक्टिविटीज जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट द्वारा की जानी है वो ये है कि इन पीएचवीओस के निर्माणकर्ता और आपूर्तिकर्ताओं को, मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स को पहचानना जो कि बेकरीज और रेस्टोरेंट्स में इसकी सप्लाई करते हैं, सैंपल्स कलेक्ट किए जाए, फिर इन अनेकों ब्रांड्स के टेस्ट सैंपल्स और पीएचवीओस के रिटेल सेल को मॉनिटर किया जाए और टीएफए के ऊपर साइंटिफिक सेशंस लेना और टीएफए फ्री विकल्पों पे ट्रेनिंग देना। अगली खबर है 99.82% प्रोजेक्ट्स इन फॉरेस्ट गॉट नॉट। भारत के सर्वोच्च नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL जो कि वन भूमि के प्रोटेक्टेड एरियाज को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए देने की मंजूरी देती है, उसने ऐसे 687 प्रोजेक्ट्स में से 682 प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दिया है। एनडीए के 2014 से 2019 के रूल के दौरान 682 ऐसे प्रोजेक्ट्स रिकमेंड हुए थे जिसमें से सिर्फ 5 प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया गया था। और अगर हम यूपीए के रूल को देखेंगे जो कि 2009 से 2013 तक था, तो ऐसे 260 प्रोजेक्ट्स रिकमेंड किए गए थे जिसमें से तकरीबन 68 प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अगस्त 2014 में यूपीए के वक्त से पेंडिंग 133 ऐसे प्रस्तावों को क्लियर किया था। नेक्स्ट इज राज्यसभा क्लियर्स लॉ रिमूविंग लेप्रसी एस ग्राउंड फॉर डिवोर्स। बुधवार को संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसने 5 पर्सनल लॉस के अंतर्गत तलाक के लिए कुष्ठ रोग को आधार बनाने का प्रावधान हटा दिया है। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट भी शामिल है। पर्सनल लॉस अमेंडमेंट बिल 2018 के जरिए इस प्रावधान को जिन पर्सनल लॉ से हटाया गया है वो है हिंदू मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट फॉर क्रिश्चियंस, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अगली खबर है ओनली 84% रूरल हाउस होल्ड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी इन 4 स्टेट्स। भारत के 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में 10,000 घरों के सर्वेक्षण पर यह पाया गया है कि इन राज्यों में सिर्फ 84% ग्रामीण घरों में विद्युत कनेक्शन है। अगर इन राज्यों की अवेलेबिलिटी रेट और एक्सेस रेट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अवेलेबिलिटी रेट है 82%, वही एक्सेस रेट है 58%। बिहार में अवेलेबिलिटी रेट है 97%, वही एक्सेस रेट है 91%। उड़ीसा में अवेलेबिलिटी रेट है 98% और एक्सेस रेट है 90%। राजस्थान में अवेलेबिलिटी रेट है 98% और एक्सेस रेट है 92%। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। अ वॉरियर्स मेमोरियल कम्स टू लाइफ। पुणे से 35 किलोमीटर पर सिन्हागढ़ फोर्ट पे रेस्टोरेशन वर्कर्स को तानाजी मालुसरे का मूल स्मारक मिला है। तानाजी मालुसरे एक बहुत ही बहादुर मराठा योद्धा थे और ये कहा जाता है कि शिवाजी ने उन्हीं के नाम पे सिन्हागढ़ फोर्ट का नाम रखा था जिसे लायंस फोर्ट कहा जाता है। मालुसरे सिन्हागढ़ युद्ध के दौरान 1670 में घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये पत्थर की संरचना सीमेंट, कंक्रीट और तेल की परतों के अंदर पाया गया जो कि माना जाता है 350 साल पुराना है। इसी के साथ हमारा आज का द हिंदू की मुख्य खबरों का विश्लेषण यही खत्म होता है।